उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मामला हॉरर किलिंग का है। दरअसल हुआ यूं कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। हद तो तब हो गई जब निर्दयी पिता अपनी 18 साल की बेटी का सिर लेकर थाने पहुंच गया। आरोपी को स्थिति में देखकर पुलिस भी दंग रह गई। घटना गुरुवार की है। हरदोई के मंझला के रहने वाले सर्वेश नाम के एक शख्स ने अपनी ही बेटी को गाँव के एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसी बात से आरोपी पिता बेहद नाराज हो गया। हालांकि उस समय तो उसने खुद पर कंट्रोल किया और बेटी से कोई बात नहीं की, लेकिन अगले ही दिन बेटी को घर पर अकेला देखकर उसने लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना के समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और बेटी को अकेला देखकर सर्वेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि मृत लड़की का गाँव के ही एक लड़के के साथ लव अफेयर था, जिसको लेकर आरोपी पिता ने कई बार लड़की को उस लड़के से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। मामले को लेकर हरदोई के एसपी अनुराग वत्स ने कहा है कि बेटी के लव अफेयर से नाराज शख्स ने पहले तो उसकी पिटाई की और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। देखिए, थाना मझला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि गांव पांडे तारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और जो इसमें जो अभियुक्त पिता है, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जा रही है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी पिता अपनी बेटी की कटी हुई गर्दन लेकर थाने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी शख्स ने लड़की का गला काटने के लिए फरसे का इस्तेमाल किया। आरोपी ने थाने में पहुंचकर बेझिझक अपना गुनाह कबूल करते हुए थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।